आज की तारीख में कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के विशाल समूह जिसकी संख्या लगभग 25 या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आज की तारीख में जो सोशल मीडिया जो के जो दूसरे माध्यम है आने का बहुत बड़ा काम करते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कि सरकार ने क्या हमको दिया और क्या हमें और लेना है सरकार से, कौन सी मांग हमारी जायज़ है, उसी पे आज दिन भर चर्चा होगी। उसके बाद शाम को हमारा अधिवेशन होगा। जो चीज़ें यहाँ से निकलेंगी, जो चीज़ें समस्याएं से निकलेंगी, उनका आज हम लोग मूर्त रूप देंगे, उसके बाद सरकार के सामने रखेंगे और उनको मनवाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। क्या मांगी रहेंगे हम लोगों की मांग? जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था आपने देखा, उस पर जोर से चल रही है हमारी। इसके बाद हमारा कैशलेस इलाज का बहुत बड़ा नुकसान हमारा सरकारें कर रही हैं। सब कुछ निर्णय हो जाने के बाद, माननीय न्यायालय के आदेश हो जाने के बाद भी नहीं मिल रहा है। उस पर मेन फोकस होगा, जिस पर हम लोग इस अधिवेशन में पारित कर रहे हैं कि अदालत में उनको मिलना चाहिए। इसी तरह से हमारे कर्मचारी तमाम सारे अपनी मोटरसाइकिलों से सरकारी काम करते हैं, उनको कोई भी भत्ता किसी भी तरह का पैसा सरकार नहीं दे रही है, जो अपनी तनख्वाह से भुगतान करते हैं। ये एक बड़ी मांग हमारी आज दिखाई पड़ रही है कि दो तीन मांगे हमारी। कल मार्बल मेले में इसी बात को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया जी, इससे कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ वहाँ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी अधिकारी बड़े स्तर पे इस तरह की बात करेगा जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं होगी और उनको नहीं समझ में आएगा, तो निश्चित रूप से वो लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन विरोध हुआ और इसको सरकार को समझना चाहिए कि कोई चीज़ है तो उसका उसको संज्ञान ले और उसके ऊपर कार्रवाई करें।